पंजाब का तेजी से वहाबीकरण होता दिख रहा है। हाल ही में मालवा के फरीदकोट में अभी 3 मस्जिदों के अवैध निर्माण का मामला ठंडा बनी पड़ा था कि अब पटियाला जिले के गुजरावाला मोहल्ले में एक सराय को मस्जिद में बदल दिया गया। पंजाब के पटियाला में गुरु की सराय को मस्जिद में बदलने के आरोपों के बाद विवाद खड़ा हो गया। हिंदू पक्ष का आरोप है कि गुरु की सराय को मस्जिद का रूप दे दिया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस जगह 75 साल पहले भी मस्जिद थी, जिसे केवल नया रूप दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू पक्ष का दावा है कि बंटवारे से पहले इस स्थान पर एक सिख परिवार रहता था, वही गुरु की सराय की देखरेख करता था। बाद में उसे डरा धमका कर मुस्लिमों ने उस जगह को हासिल कर लिया। कुछ समय बाद वहां मस्जिद बन गई थी। उस स्थान पर पहले सिखों का चिन्ह था, जिसे हटाकर इस्लामी निशान लगा दिया गया। यह विवाद कोर्ट में भी गया, जहां साल 2017 में मुस्लिम पक्ष ने यह साबित नहीं कर पाया। यह विवाद कोर्ट में भी गया था, जहां साल 2017 में मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि यह स्थान उनका है। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सिखों के पक्ष में सुनाया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि अब गुरु की सराय में नमाज भी पढ़ी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस स्थान पर विवाद हो रहा है वह पटियाला के गुजरावाला मोहल्ले में मौजूद है। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि गुरु की सराय को मस्जिद का रूप देने के लिए मुस्लिम पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई। वीएचपी के इस दावे का गुजरावाला मोहल्ले के स्थानीय निवासी और सिख समुदाय के कई लोग भी समर्थन कर रहे हैं। इन लोगों ने सराय को मस्जिद का रूप देने के वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष का नेतृत्व गुजरावाला मस्जिद के अध्यक्ष अतर हुसैन कर रहे हैं। इस्लाम अली के साथ उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि इस बाबत हमसे स्थानीय एसडीएम ने दस्तावेज मांगे थे, जो हमने जमा कर दिए हैं। इस मोहल्ले में पहले से ही मस्जिद बनी हुई थी। भारत विभाजन के बाद इस जगह पर रहने वाले कई लोग पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन यहाँ मौजूद मुस्लिमों ने मस्जिद को धरोहर के रूप में सजा कर रखा था। अब उसी मस्जिद को नया आकार दिया गया है।